कि आपको 6-7 महीने हो चुके हैं जिम जाते हुए, उसके बावजूद भी आपको अपनी बॉडी में कुछ चेंजेस नहीं दिख पा रहे हैं, और आप अच्छी प्रॉपर डाइट लेते हो, एक प्रॉपर वर्कआउट भी करते हो, उसके बावजूद भी आपको कुछ मुनाफा नहीं दिख रहा है। तो अगर आप बॉडी को 60 से 90 डेज में बहुत ज़्यादा बेहतरीन और मस्कुलर बनाना चाहते हो तो ये वीडियो खासकर आपके लिए बनाई गई है। काफ़ी रिसर्च के बाद ही इस वीडियो को बनाया गया है, और बॉडी को जल्दी मस्कुलर बनाने का जो साइंटिफिक वे है और जो एक प्रॉपर वे है वो भी हम इस वीडियो में आपको बताने वाले। बॉडी बनाने का जो प्रॉपर तरीका है और जो एक प्रॉपर डाइट प्लान होता है, दोनों के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहली चीज़ आ जाती है आपकी गलतियाँ, जो बाकी लोगों ने गलतियाँ की, अगर आप लोग भी वो गलतियाँ फिर से दोहरा देते हो या फिर आप अपनी गलतियों पे ध्यान नहीं देते हो तो फिर आप जल्दी मस्कुलर कैसे दिखोगे, आपकी बॉडी आसानी से नहीं बनने वाली। तो सबसे बड़ा रोल जो होता है वो वर्कआउट में होता है आपकी गलतियों का। आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाते हैं, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे पुशअप लगाने हैं, अब आपको 10-10 लगाने हैं हर एक सेट में, हाँ, और आपके टोटल हैं 3 सेट, तो मतलब आपको लगाने पड़ेंगे 30 पुशअप। अब आप 30 पुशअप लगाने की जल्दी में इस वर्कआउट को बहुत जल्दी जल्दी से कर दोगे। तो मेरे बोलने का मतलब है, जब आप यहाँ पे पुशअप लगाओगे तो आप फुल रेंज ऑफ मोशन की जगह उससे हाफ रेंज ऑफ मोशन में लगा दोगे। जैसे कि आपको जब यहाँ पे पुशअप लगाना रहता है तो सीना आपका पूरी वे से नीचे आए और फिर ऊपर जाए, फिर एक सेकंड के लिए आप ऊपर होल्ड कीजिए और फिर धीरे धीरे नीचे आइए। अब इस चीज को बहुत लोग जल्दी जल्दी भी करने लगते हैं ताकि उनके जो रेपिटेशन है वो काफ़ी जल्दी कंप्लीट हो जाए और वो दूसरी एक्सरसाइज में जा सके। इस गलती को आपको बिल्कुल भी नहीं दोहराना है। अगर ये गलती आपसे आज तक होते आई है तो अब इस गलती को हटा दीजिए और आपको पुशअप यहाँ पे आराम से लगाने हैं। ऐसा सिर्फ एक एक्सरसाइज के नहीं, आपको हर एक एक्सरसाइज को फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ और धीरे धीरे ही करना है। इसीलिए कोई भी एक्सरसाइज को जल्दबाजी में मत कीजिएगा। अब सेकंड चीज़ यहाँ पास आ जाती है, ठीक से नींद ना लेना। तो वर्कआउट के वक्त आपकी मसल्स ना ब्रेक होती हैं, और जब आप रात को सोते हो तब ये मसल्स फिर से बनती हैं या फिर इन मसल्स की रीबिल्डिंग होती है। तो आपको प्रॉपर डाइट, प्रॉपर वर्कआउट के साथ साथ प्रॉपर नींद लेना भी ज़रूरी है। अगर हो सके तो फिर आप रात को 10-11 बजे सो जाइए और 7-8 आवर्स की आप लोग एक प्रॉपर नींद ले सकते हो। उसके बाद आता है आपका डाइजेशन। यहाँ पे सिर्फ इससे फ़र्क नहीं आएगा कि आपकी डाइट बहुत ही प्रॉपर है, आप अच्छे से वर्कआउट भी कर रहे हो, अगर जो भी आप खाते हो अगर वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा या फिर जो आपका डाइजेशन है वो ठीक नहीं है, तो इस वजह से भी आपको आपके वर्कआउट का पूरा फायदा नहीं मिलने वाला है। इसलिए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका डाइजेशन भी अच्छे से होना चाहिए, और इन 3 गलतियों पे आप लोग अच्छे से फोकस कीजिएगा, और जहाँ तक हो सके तो ये आपके साथ ना ही हो तो बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे डाइट के बारे में। तो अगर 30% रोल आपके वर्कआउट का होता है आपकी फिजिक ट्रांसफॉर्मेशन में, तो 70% रोल हुआ करता है डाइट का आपकी फिजिक ट्रांसफॉर्मेशन में। तो आप लोग डाइट में जो खाते हैं वो तो आपको खाते ही रहना है, पर अब दो चीज़ें और जोड़ लीजिएगा। पहला आएगा यहाँ पे काले चने और दूसरा आएगा मूंग दाल। इन दोनों को आपको रात में धोकर एक बर्तन में भिगोकर आपको रख देना है, और सुबह वर्कआउट के बाद थोड़े से गुड़ के साथ इनको खा लेना है। अब इनको जल्दबाजी में बिल्कुल मत खाइएगा, जहाँ तक हो सके इनको अच्छे से चबाकर ही खाइएगा। फिर उसके बाद आप अपने ब्रेकफास्ट में स्वीट पोटैटो ले सकते हो, आप 250 ग्राम एक बार में खा सकते हो, और अगर आपको स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंद नहीं मिल पा रही है तो आप लोग इसकी जगह आलू भी खा सकते हो, बट उसको उबाल कर खाइएगा। फिर वर्कआउट के बाद आपको कम से कम 3 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 6 अंडे भी खाने हैं, इससे आपकी फिजिक काफ़ी अच्छी शेप में आएगी। खाने के वक्त आपको सैलेड ज़रूर खाना है, क्योंकि सैलेड में आप सबको फाइबर मिल जाता है जो कि आपकी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। फिर आता है यहाँ पर सोयाबीन, तो हफ्ते में आपको 1-2 बार सोयाबीन की सब्ज़ी भी खा लेनी है, इसमें भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन आप सबको मिलने वाला है। अब बात यहाँ पे आ जाती है वर्कआउट की। तो अगर आप लोग जिम जाते हो तो वहाँ पे आपकी बॉडी का फुल वर्कआउट हो जाता है, और अगर आपके पास ट्रेनर है इसका मतलब सोने पे सुहागा। बट अगर आप लोग जिम नहीं जा पाते या फिर आपके घर के आसपास जिम नहीं है तो घर से भी आप लोग एक अच्छा वर्कआउट कर सकते हो, और उसी वर्कआउट को मैं इस वीडियो में अब बताने वाला हूँ। तो अगर आप लोग घर से वर्कआउट कर रहे हो तो सबसे पहला आपका काम रहेगा आप सुबह सुबह वार्म अप कीजिए। वार्म अप में आप लोग जंपिंग कर सकते हो, स्ट्रेचिंग भी कर सकते हो, और एक दो एक्सरसाइज और भी कर सकते हो। फिर उसके बाद सबसे पहले एक्सरसाइज यहाँ पे आ जाएगी पुशअप। पुशअप के आपको 10-15 रेपिटेशन लगाने हैं और 2-3 सेट। फिर उसके बाद यहाँ पास आ जाता है चिन अप। इससे आपके फोर आर्म्स, बाइसेप्स, बैक्स और शोल्डर काफ़ी ज़्यादा मजबूत होते हैं। इसके भी आप लोग 2-3 सेट लगा सकते हो, और हर एक सेट में 10-15 रेप्स। फिर आते हैं यहाँ पास डायमंड पुशअप। इससे आपके ट्राइसेप्स काफ़ी ज़्यादा ट्रेन हुआ करते हैं। इसके भी 2-3 सेट और 10-15 रेप्स। फिर आता है यहाँ पास पाइक पुशअप। आप लोग इसको वीडियो में देख सकते हो, इससे आपके शोल्डर काफ़ी ज़्यादा ट्रेन होते हैं। इसके भी 2-3 सेट और 10-15 रेप्स। फिर आती है यहाँ पास क्रंचेस। इससे आपके एब्स बनते हैं। एब्स, अभी यार एब्स काफ़ी लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं, और बहुत लोग इनको बिस्किट भी बोलते हैं, तो इनको बनाने में आपको इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। आप लोग इसको अपनी कैपेसिटी के हिसाब से लगा सकते हो। फिर यहाँ पास आ जाता है स्क्वाट्स। स्क्वाट्स से आपकी थाई काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती हैं, और सबसे बड़ी चीज़ स्क्वाट्स मारने की वजह से आपकी बॉडी में जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, और आपकी फिजिक ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी आसानी से और काफ़ी तेज़ी के साथ हुआ करती है। तो यही थे कुछ एक्सरसाइज, इन्हें आप लोग अपने होम में आसानी से कर सकते हो, और अगर आपको इनका रिजल्ट दिखे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।